गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? मैं मनोरमा त्रिपाठी क्लास 5th हिंदी फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी फर्स्ट हिंदी व्याकरण एवं रचना। आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण। पहले हमको पढ़ना है भाषा। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को एवं भावों को समझते हैं। जैसे हिंदी फर्स्ट लेसन 1। भाषा, लिपि और व्याकरण। बच्चों, भाषा किसे कहते हैं या भाषा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। अब हमारा आएगा प्रश्न 2। भाषा कितने प्रकार की होते हैं? नाम बताइए। प्रश्न नंबर 2, भाषा कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए या भाषा के कितने रूप होते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। तो ये हमारा क्या था? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा पहला क्या है? मौखिक भाषा। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा।
जैसा कि अभी हमने बताया है कि मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचारों और भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या है? जब हम लिखकर अपने विचारों एवं भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जापानी, उर्दू, हिंदी आदि। भारतीय भाषाएं, इससे हमारे भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती है। विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं, जैसे पंजाब प्रांत की भाषा पंजाबी है। तो भारतीय भाषा हमारी क्या है? भारत एक विशाल देश है, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान में कुल 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती है। विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं, जैसे पंजाब प्रांत की भाषा पंजाबी है। जैसे कुछ प्रमुख प्रदेशों के नाम हैं और बोली जाने वाली भाषा, जैसे असम देश की भाषा क्या है? असमिया। पश्चिम बंगाल की भाषा क्या है? बांग्ला। तमिलनाडु की प्रादेशिक भाषा क्या है? तमिल। आंध्र प्रदेश की तेलुगु। जम्मू और कश्मीर की डोगरी और कश्मीरी। इसी तरह से हमारे अलग अलग प्रदेशों में बोली जाने वाली अनेक भाषाएं हैं, जिसको कि हम कुछ प्रदेश की भाषाओं को बताए हैं, जैसे उत्तराखंड हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, झारखंड हिंदी, राजस्थान हिंदी और राजस्थानी, हरियाणा हिंदी, मणिपुर मणिपुरी। तो ये हमारी भाषाएं हैं, अलग अलग प्रदेशों में बोली जाने वाली अलग अलग भाषाएं हैं, जो कि इस प्रकार है। तो बच्चों आप लोग भाषा के बारे में तो जान गए होंगे, भाषा क्या है। अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा। क्या पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय भाषा एक बार और बता दे रहे हैं आप लोगों को, जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, इसकी लिपि रोमन है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कुछ प्रमुख देशों के नाम और बोली जाने वाली भाषाएं जो मैं लिख करके आप लोगों को दिखा रही हूँ और बोल करके भी बता रही हूँ।
इसकी अलग कोई लिपि नहीं होती है। हिंदी भाषा में अनेक बोलियां हैं, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली आदि। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा था। अब हमको बोली, हम बोली पढ़ रहे थे। जैसा कि आप लोग बोली समझ गए कि आमतौर से जो हम बातचीत करते हैं, बोलते हैं, दूसरे से जो भी बात करते हैं, इसकी कोई लिपि नहीं होती है, जिसमें ब्रज भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है। अब हमको पढ़ना है लिपि। क्या पढ़ना है? लिपि। बच्चों, लिपि से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये चिन्ह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अ आ ई। ये हमारी क्या है? लिपि है, लिखने का तरीका। जैसे अंग्रेजी की लिपि रोमन है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है। तो जो विशेष चिन्हों को निश्चित किया गया है, उसे हम लिपि कहते हैं, यानी लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये चिन्ह अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे अंग्रेजी भाषा है, तो ये किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन। उसी प्रकार संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा की भी लिपि भी देवनागरी ही है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी होती है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है, यानी उर्दू भाषा जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो ये हो गया हमारा लिपि। क्या हो गया? लिपि। अब हमको पढ़ना है व्याकरण। क्या पढ़ना है? व्याकरण। व्याकरण वह ज्ञान है जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधता है। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधता है जिससे भाषा शुद्ध और सुंदर बनती है। व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा को शुद्ध रूप से जानना असंभव है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों, वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो व्याकरण का
क्या है? व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। कुछ विशेष है, जैसे मातृभाषा। तो मातृभाषा क्या है? बच्चा जिस भाषा को अपने घर में सबसे पहले सीखता है वही मातृभाषा होती है। कभी कभी हम संकेतों द्वारा भी अपनी बात एवं विचार को व्यक्त करते हैं, यह भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। व्याकरण में इसे भाषा नहीं माना गया है। व्याकरण में इसे भाषा नहीं माना गया, किसे? सांकेतिक भाषा को, जो हम संकेतों के माध्यम से अपने बात को किसी से कहते हैं या किसी बात को हम समझते हैं, इसको भाषा ने इसे मान्यता नहीं दी है। तो बच्चों आज हम पढ़े हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। अब इससे हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे सही और गलत, जिसका उत्तर आपको देना होगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो फिर हम बताएंगे। जैसे पूर्वी पंजाबी भाषा की लिपि है, क्वेश्चन नंबर 2, सही और गलत। सही और गलत, पहला क्वेश्चन है, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है, क्या है? सही है या गलत? सही। क्या है? सही, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। क्वेश्चन क्या है? किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। गलत। क्या है? गलत। उसी तरह अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जैसा कि पहले हम आपको भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा दिए हैं, उसी से हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सही। क्या है? सही। भाषा को नियमों में बांधने वाला शास्त्र व्याकरण है। भाषा को नियमों में बांधने वाला शास्त्र व्याकरण है। सही है या गलत? सही। अब एक क्वेश्चन
क्वेश्चन है खाली जगह भरी है। अगला क्वेश्चन है खाली जगह भरी है। अभी तो हम पढ़े हैं सही और गलत। अब आपको क्वेश्चन पूछे गए आपसे जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे किसी भी भाषा को लिखने के विशिष्ट चिन्हों को उस भाषा की डैश कहते हैं लिपि। उर्दू डैश लिपि में लिखी जाती है। फारसी कश्मीर की प्रादेशिक भाषा कश्मीरी। तो ये खाली जगह था हमारा। नीचे दी गई भाषाओं को उनकी लिपि से मिलाइए। कुछ सब भाषा लिखेंगे और लिपि भी लिखेंगे जिसको मिलाना है। नीचे दी गई भाषाओं को उनकी लिपि से मिलाएंगे। जैसे हिंदी अंग्रेजी उर्दू पंजाबी संस्कृत। तो ये हमारी भाषाएं हैं और इनको लिपि से मिलाना है। ये भाषा है क्या है भाषा और इसको इसकी लिपि में मिलाना है कि किस भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी किस लिपि में हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखते हैं देव तो हमें सही भाषा से सही लिपि में मिलाना है। तो बच्चों ये हम कुछ भाषा और लिपियों को लिखे हैं जिसको मिलाना है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं भाषा लिपि व्याकरण प्रदेशों की भाषा और देश की भाषा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी भाषा और लिपि। अंग्रेजी की लिपि क्या है ग्लोबल। उर्दू की लिपि क्या है फारसी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। संस्कृत की लिपि देवनागरी। तो ये हमारी भाषाएं और लिपि।
हिंदी व्याकरण लेसन वन भाषा लिपि और व्याकरण, जिससे कुछ हम प्रश्न दे रहे हैं जिसका उत्तर आपको लिखना है। ये आपका गृह कार्य हो गया, जिसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। गृह कार्य है जो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। पहला प्रश्न है भाषा इसे करते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 2, भाषा के कितने रूप होते हैं नामी के? प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय भाषा से आप क्या समझते हैं? लिपि से आप क्या समझते हैं? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा तो बच्चों, ये गृह कार्य है आपका। ये चार प्रश्न हैं, इन चार प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। सर, सर।